के खुश होने से पहले हमारे चाचा जी चौधरी उदयवीर सिंह गांव बिहारीपुर से चौधरी गंगाराम प्रधान जी के लड़के 1100 रुपए दे के मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी दोबारा कहते एक बार पागड़ो सौदा ले रही है बागड़ो। मेरी बात सुन ले, तू बहरा तो ना है। देख मैं सुआ ले रही हूँ और सिप्पी ले रही हूँ और छन्ना ले रही हूँ, तीन वैरायटी का छन्ना बता दे कितनी वैरायटी के, तीनों में से खोल खोल के बता दे। देख एक तो है थोड़ा सा मोटे छेद का, वो तो है पूरे 1500 रुपए का मोटे छेद का। हाँ हमारे ताऊ दे दे, उसे तो मैं परसों ही देके गई। अरे पिछले महीने इन्हें देखे गई जो टोपी वाले बैठे हैं ना, इन्हें देखे गई थी 31 तारीख को। और दूसरा है थोड़े बारीक छेद का, वो है 2000 रुपए का। वाह गुरु जी दादा हमारे सुरेंद्र भाटी जी है, यू तो मेरे से लेता ही रहा इसकी छोड़ दे। और तीसरा एक है बिना छेद का और वो है पूरे 2500 रुपए का। वाह वाह मुझे दे, मैं अपने आप छेद कर लूँ। और मेरा नगद लेन देन है ना चौधरी, उधार उधार में करती ना। क्या देता हूँ मेरी बात सुन। चेतराम पंडित जी बिहारीपुर गांव से 500 रुपए देते, एक बार जोरदार तालियां। तुझे लगे प्यार करिए अपनी ब्याही का।
आशियाने में। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगती हो इन कपड़ों के आशियाने में। हाँ। और पड़ोसी भी झाँकते होंगे जब आती होगी कुशल खाने में। ओ, सुन ले मेरी बात, क्या हुआ है आपको? मेरी बात सुन ले, क्या मुझे नादान मत समझना, क्या मुझे नादान मत समझना, मैं सबको समझती हूँ। और तेरे जैसे ना, तेरे जैसे चौधरी मैं बने नाड़े में लेके घूमती हूँ। और सुन ले, क्या कह रही है, मुझे नादान मत समझना। हाँ। और सुन ले मेरी बात भी, बस कहती रहे अपनी बातों को, हम यूं ही सुनते रहेंगे और हमें तो अपनी उपली जेब में डाल ले, हम तो जिंदगी भर पड़े रहेंगे। मजनू ने जान दे दी लैला की दीवार के पीछे, मजनू ने जान दे दी लैला की दीवार के पीछे, और बागड़ो हम भी जान दे देंगे तेरी सलवार के पीछे। आइए, ये तो आपके बीच में मनोरंजन करने के लिए एक बात रखी गई थी, और बिल्कुल जैसे की फरमाइश है महाभारत के प्रसंग से आपके बीच में एक बात लेकर
हमारे गुरुजी आदरणीय चौधरी सुरेंद्र भाटी कुलीपुरा ग्रेटर नोएडा से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए, जोरदार ताली। महाभारत के प्रसंग से आपके बीच में ये बात रखेंगे हमारे गुरुजी। मंच की मर्यादा हमारे बुजुर्ग में बैठे हैं, हमारे एक भाई ने अभी मुझे आदेश भी किया कि भाई दौर आग्नि महाभारत के द्रौपदी चीर हरण प्रसंग से सुना दीजिए भाटी जी, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुजुर्ग भी हैं और माता बहन भी सामने बैठी हैं, नौजवान भाई भी हैं, और किस्से कभी पुराने नहीं होते, किस्सों में